चीन के कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। सीएम सिटी करनाल में भी कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल एक व्यापारी के बेटे प्रारंभिक लक्षणों को देखते हुए मरीज को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के आइसोलेटेड वार्ड में दाखिल किया गया था। साथ ही डॉक्टरों ने मरीज के ब्लड के सैंपल को लेकर जांच के लिए पुणे भेजा है। लोकल स्तर पर भी डॉक्टरों द्वारा मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर भी एहतियात बरत रहे हैं। इसके तहत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में स्पेशल मास्क और दस्ताने भी मंगवाए गए हैं। बता दें कि अभी तक जिले में कोरोना का एक भी कंफर्म मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। शनिवार को करनाल में रहने वाले एक युवक को बुखार होने के कारण मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लाया गया था। वहां पर पहुंचने के बाद विभाग के डॉक्टरों ने जब युवक से जानकारी ली तो उसने बताया कि वह 13 जनवरी को चाइना से आया था। हालांकि वह यहां पर कोरोना वायरस फैला है उससे करीब 1000 किलोमीटर दूर एक शहर में गया था। इस पर विभाग ने लक्षणों को देखते हुए आनन फानन में मरीज को इमरजेंसी वार्ड के साथ बनाए गए आइसोलेटेड वार्ड में दाखिल किया है। मेडिसिन विभाग पैथोलॉजी समेत अन्य विशेषज्ञों की उपस्थिति में युवक के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। एक सैंपल जांच के लिए पुणे लैब में भेज दिया गया है, जबकि अपने स्तर पर कॉलेज भी जांच कर रहा है। फिलहाल मरीज का बुखार और जुकाम दोनों है, इसलिए उसको मास्क दिया गया है ताकि वायरस और ना फैले। साथ ही उसकी निगरानी के लिए स्टाफ नर्स समेत डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए एक रिपोर्ट। एक जो पेशेंट आया है कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड, उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या इलाज किया जा रहा है? ये 25 से 26 वर्षीय एक लड़का हमारे पास कल दाखिल हुआ है, जिसको फ्लू के लक्षण थे, साथ में तेज बुखार था। ये यहीं करनाल का रहने वाला है। 13 जनवरी को ये चाइना से वापस लौटा था, तो जो लक्षण हैं वो विभाग ने, डॉक्टर मनदीप सिंह के विभाग, मेडिसिन विभाग ने जब उनकी जाँच की तो लक्षण कोरोना वायरस के लक्षण से मिलते जुलते पाए गए। और क्योंकि मरीज चाइना से लौटा है तो तुरंत जो जिला स्वास्थ्य प्रशासन है उसको सूचना दी गई। उसमें डॉक्टर मंजू ने आकर, डॉक्टर मंजू पाठक की टीम ने आकर इनके सैंपल इकट्ठे किए और जो फ्लू और बुखार का जो दूसरे कारण होते हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करा के इसका मरीज का उचित उपचार चल रहा है। मरीज को अभी आइसोलेशन में रखा गया है। सैंपल कहाँ भेजा है जी? सैंपल इसका पुणे गया है, पुणे लैब में सैंपल गया है, वहाँ से रिपोर्ट आएगी तभी पता चल सकेगा कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है। सर क्या लक्षण क्या है इसके? अभी इसमें गले में खराश, तेज बुखार और फ्लू यानी कि बहती हुई नाक। सर इसने क्या बताया है कि ये कहाँ गया था, कहाँ से आया था, चाइना कैसे इसके पास कुछ? ये बिजनेस मैन है, चाइना में किसी बिजनेस के सिलसिले से गया था, 13 जनवरी को वापस लौटा है। अब इसने हमें बताया कि जिस जगह, जिस शहर में गया था वो वुहान से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, तो संभावना है शायद ये नेगेटिव निकले, लेकिन जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। तो आम लोगों से क्या अपील करेंगे? काफी डरे हुए हैं। जैसे आम लोगों से यही अपील है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अपना साफ सफाई पे ध्यान रखें। अगर आप बाहर से जाएं तो सबसे पहले घर आकर अपने हाथ धोएं और हाथ को मुंह, नाक और अपनी आंखों से ना लगाएं, ठीक है? अगर किसी मरीज को जुकाम है तो वो अपने पेट पे कपड़ा रखे या मास्क लगा ले। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस है क्या और इसके लक्षण और बचाव के क्या उपाय हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलाने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।
ऐसे ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।